और दो 10K के अकाउंट्स में गिव अवे दे रहा हूँ। तो $10,000 के मैं गिव अवे दूंगा, ऐसे दो लकी विनर्स को ये चांस मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो काफी टाइम से मेरे को लोग पूछ रहे थे कि सर फंडेड प्रोग्राम कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन से ट्रस्ट वर्दी फंडेड अकाउंट है। सो अभी मेरा एक ब्रांड कोलाब है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो ब्रांड कोलाब वो सब के बारे में बात करेंगे। बट एक डिस्क्लेमर है जो मेरे को बताना है। अभी मैं ये चैलेंज 6 जून से कर रहा हूँ जो मैंने पास कर दिया है। मैं आई विल शो यू द डिटेल्स आल्सो कि मैंने कब कौन से ट्रेड्स लिए, कैसे मैंने पास किया एवरीथिंग। बट ये डिस्क्लेमर मैं सच में क्यों बताना चाहता हूँ इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लास्ट सेम मेरे पास एक ब्रांड आया था, मैंने काम किया था, मैंने लाइव अकाउंट हासिल किया था, विच मीन्स कि मैंने जितने भी लेवल्स है वो पास किए थे, दो लेवल्स रहते हैं। आपने अगर मेरा वो टू अंडरस्टैंड द फंडेड अकाउंट प्रोग्राम, उसका एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख भी सकते हो कि जो वीडियो है वो यहाँ पे आपको दिख भी सकता है। वो वीडियो एक्चुअल फंडेड प्रोग्राम क्या होता है वो समझ में आ जाता है इफ यू गो थ्रू द वीडियो। ये समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने $1,00,000 का अकाउंट लिया, $1,00,000 पे यू हैव टू पास $8,000 का फर्स्ट फेस रहेगा, फिर 5,000 कमाने, मतलब 13% आपको ओवरऑल कमाने का रहेगा। अभी मेरा फर्स्ट फेस हो गया है और फर्स्ट फेस में मेरे ट्रेड्स क्या लिए वो मैं बताता हूँ। लेकिन जो डिस्क्लेमर है ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने पास किया था, मेरा लाइव अकाउंट हो गया, लाइव अकाउंट में मैंने $22,000 के आसपास मैंने कुछ तो कमाया। सो मेरे को फर्स्ट पे आउट डेफिनेटली आया, एक महीने का पे आउट स्प्लिट वॉज 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का मेरे को डेफिनेटली पे आउट आया, आई वोंट डिनाई दैट। लेकिन 2 लाख के बाद वो फंडेड प्रोग्राम था, उन्होंने मेरे को रिप्लाई करना बंद किया, दे हैव ब्लॉक्ड मी फ्रॉम सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। मैंने ऐड कर दिया, सब कुछ किया था, TFF करके प्रोग्राम था वो, तो बेसिकली दे स्कैम्ड मी। उन लोगों को लगा कि मे बी मैं पास नहीं कर पाऊंगा, चलो पास किया तो इतना कमा नहीं पाऊंगा। तो मैंने पास भी किया, मैंने 2 लाख भी कमाया फर्स्ट मंथ पे। सेकंड मंथ में जब उनका काम हो गया था, सब कुछ मैंने एडवर्टाइज सब कुछ कर दिया था, मैंने एक्चुअली मेरे व्यूअर्स को ये भी बताया था कि कंपनी जब मेरे को पे आउट देगा आई विल टेल यू, ओनली देन सब्सक्राइब करना। सो आई हैव नो आइडिया कि कितना ऑथेंटिक मार्केट में लोग है नहीं है, तो मैं ये प्रिकॉशन लेता हूँ। लेकिन जब मेरे को फर्स्ट पे आउट आया था 2 लाख रुपए का, आई वॉज वेरी श्योर कि अभी मेरा चलो शॉर्ट हो गया, अभी मेरे को ये फंडेड प्रोग्राम देते रहे। चलो कोई नहीं, वो कंपनी स्कैमर निकला, उन्होंने मेरे को $22,000 का पे आउट अभी तक दिया नहीं है एंड इट्स स्टिल with them। कोई बात नहीं, गया वो उनका ही, मतलब मैं इतना सोचता नहीं वो सब चीज के बारे में। बट नाउ अभी मेरे साथ एक कंपनी कोलैब में है, जो नाम है उसका है, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सो दिस इज बी स्पोक फंडिंग प्रोग्राम। अभी बी स्पोक फंडिंग प्रोग्राम में ऑल्सो आई एम गिविंग अ गिव अवे, जो 2 अकाउंट को दूंगा, मैंने स्टोरी भी डाला था। तो गिव अवे किस हिसाब से रहेगा आई टेल यू। मैं रैंडमली, अगर आप कमेंट करोगे यू वॉन्ट द फंडेड चैलेंज, अगर आप ऐसा, मतलब आई वॉन्ट, अगर आप कमेंट करोगे तो आप रिप्लाई क्या करोगे, आई वॉन्ट द फंडेड चैलेंज प्रोग्राम। ठीक है, वॉन्ट ये शब्द होना चाहिए, वॉन्ट ये वर्ड वॉन्ट होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से फ्रेम करो जो भी है, लेकिन वॉन्ट ये होना चाहिए। तो जितने भी कमेंट्स करेंगे, जितने भी लोग, समझो 100 कमेंट करेंगे, 150 करेंगे, 50 करेंगे, जितने भी कमेंट्स रहेंगे उनमें से मैं आग बंद करके रैंडमली आई पिक देम और 2 10K के अकाउंट्स में गिव अवे दे रहा हूँ। तो $10,000 के मैं गिव अवे दूंगा, ऐसे 2 लकी विनर्स को ये चांस मिलेगा। अभी द डिस्क्लेमर इज अगेन कि ये मैंने सिर्फ पास किया है, तो आई लेट यू नो द थिंग्स। अभी आप देख सकते हो कि करंट इक्विटी 1 लाख एंड एवरीथिंग है, ये सेकेंड स्टेज है, तो मेरे को $5,000 मेरे को सिर्फ कमाना है, मेरे को ज्यादा नहीं कमाना है, तो मेरा सेकंड फेज भी हो जाएगा। इफ आई गो थ्रू द डैशबोर्ड, अगर मैं डैशबोर्ड प्रोफाइल में जाऊँ, चलो प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में द फर्स्ट बीस्पोक फंडिंग प्रोग्राम 10K क्लासिक चैलेंज MT4 ये जो है वो पास हो गया है। अभी इसका डैशबोर्ड हम लोग देखेंगे कि मैंने कैसे ट्रेड्स लिए, मैंने कैसे नहीं लिए, मतलब कब मेरे ट्रेड्स अच्छे थे नहीं थे एंड एवरीथिंग विल टॉक। तो यहाँ पे आई कैन सी कि जो विन रेट है मेरा, विन रेट इज 85%। सी बाकी जो कोर्सेज भी लेते हैं उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद प्रॉफिट में हूँ कि नहीं बताने। अभी फॉर सम reasons मैं अपना अकाउंट बताता नहीं हूँ, मैं लाइव ट्रेड्स भी देता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट वॉफिट हम लोग शेयर नहीं करते इतना। कोई भी आप किसी को भी देखोगे, आपने ये चीज देखा ही रहेगा कि कोई भी एक पर्सन अपना सैलरी, अपना इनकम ये बताना नहीं चाहता है, तो दैट्स द रीजन। लेकिन बिकॉज आई एम सेलिंग माई कोर्स, इट इम्पोर्टेंट कि मैं अपने ट्रेड्स बराबर ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, ये आपको देखना, ये आपका हक है।
इवन इफ पीएनएल, अगर आप, मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ वैसे तो, आप टेलीग्राम पे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे पीएनएल भी अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली मेरे को भी ऐसा लोग बोला गया है, घर से भी बोला है कि यू शुडन शो कि आप कितना पैसा कमा रहे हो एंड एवरीथिंग, तो आई ट्रस्ट दैट, लेकिन दिस इज फंडेड चैलेंज। लेकिन आपको कंसर्न होना चाहिए कि मेरे ट्रेड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अभी आप देख सकते हो वॉट एवर इज इन द ब्रैकेट, आप ब्रैकेट में जो भी चीज देखोगे वो लॉस है। तो द फर्स्ट एवर ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिया है वो लॉस में था, $990। और हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाता है ना, बाकी के ट्रेड प्रॉफिट में जाते। तो यहाँ पे मेरे को $1,00,000 दिए थे और मेरे को $8,000 कमाने थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पेज है जहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ है, 900, 500, 300 ये सब प्रॉफिट हुआ है। आप सेकेंड फेज में देखते हो कि ये पूरा प्रॉफिट में ही चला गया, सिर्फ ये $1,000 का लॉस हुआ है मेरे को, $1,000 का लॉस हुआ है। अगर मैं ये चीज देखूं तो मेरे को यहाँ पे भी लॉस हुआ है, यहाँ पे भी लॉस हुआ है, तो यहाँ पे दो लॉस है, लेकिन ये दो चीज में मेरे को प्रॉफिट हुआ है। एंड एवरीथिंग जो भी मैंने किया था वो प्रॉफिटेबल ही था, और मेरे को लॉट साइज कितना है एंड एवरीथिंग वो तो सबका नॉलेज है। तो ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मैंने आज पास किया। 23 जून आज डेट है, और मैंने आई स्टार्टेड दिस चैलेंज एट 6th of June, आप देख सकते हो यहाँ पे डेट है 6th of June को मैंने स्टार्ट किया और आज 23rd June है। सो दिस इज समथिंग, आप देख सकते हो कि 8231 मैंने बनाया है, 8,000 मेरे को बनाना था, अभी मेरा सेकंड फेज है मेरे को 5,000 का। सो द ऑल्सो डिस्क्लेमर इज दिस, अभी ये चैलेंज मैं सेकंड फेज में पास करूंगा, बट आपका फायदा क्या है ये सब मैं बताने का, आपका फायदा ये है कि यू विल गेट 2 giveaway जो 10K 10K के रहेंगे, ओनली इफ अगर आप कमेंट करोगे, कमेंट में लिखोगे आई वॉन्ट फंडिंग चैलेंज या फिर आई वॉन्ट बीस्पोक फंडिंग प्रोग्राम। तो ये जो वॉन्ट जब तक है मैं आई कंसिडर दैट, और जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसको रैंडमली मैं पिक करूंगा, और रैंडमली पिक करके मैं आपको गिवअवे दे दूंगा। सो दिस इज द चैलेंज। एंड ऑल्सो जितना भी डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, यू गो थ्रू माई डिस्क्रिप्शन, ये कंपनी का मैं लिंक डाल दूंगा, मेरा जो फंडेड प्रोग्राम के बारे में यूट्यूब वीडियो वो डाल दूंगा, और मेरा जो ब्रोकर है, मेरा ओन ब्रोकर है, मेन ब्रोकर जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बड़े ट्रेड जो भी मैं लेता हूँ या फिर समझो जो मेन ब्रोकर है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो सब कुछ प्रोविजन मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में क्या है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ चैलेंज के लिए देख रहे हो और वॉन्ट रिप्लाई कर रहे हो और एक गिव अवे में पार्टिसिपेट कर, दैट्स नॉट इट। तो दिस इज माय फंडिंग प्रोग्राम जो मैंने पास किया है, सेकंड की स्टेज पे हूं अभी। और टेक्निकली मैं अगर बात करूं तो टेक्निकली इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल टाइम, आई हैव सीन दिस टेक्निकल हैपनिंग ओवर 50 to 60 times। तो आप देख सकते हो कि दिस वाज अ रेजिस्टेंस, मार्केट का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, इसके पहले यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया, ये ब्रेक करने के बाद हम लोग को अच्छा ट्रेड मिला। सो दिस हैज वेरियस, जो मेरे बैच में है, कोर्सेस में है, उन लोगों को पता है कि मैंने डीपली कितना सिखाया है, इतना इजी नहीं रहता जितना मैंने अभी बताया, लेकिन ये ट्रेड पे आई हैव पास्ड द चैलेंज। सो यही मेरे को बताने का था। एंड ऑल्सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द फंडेड प्रोग्राम एंड एनीथिंग, कुछ भी टेक्निकल कोर्स, मैं कोर्स का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरा नेक्स्ट मंथ बैच रहेगा, जुलाई का बैच रहेगा, तो वो चीज हम लोग डेफिनेटली, मेरे को आप डीएम कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी है, ऑल्सो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को रिप्लाई करना, व्हाट्सएप में मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड वन मोर थिंग, जब तक मेरे को ये अकाउंट से हैवी पे आउट आता नहीं हूँ, हैवी पे आउट, तब तक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि यू शुड गो पुट योर मनी एंड ट्रेड। जब तक आपको गिव अवे मिल रहा है तब तक ठीक है, जब तक मेरे को खुद का हैवी पे आउट नहीं आता है जो मैं मार सकता हूँ मे बी, तब तक आई वोंट रेकमेंड यू दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर था। एंड थैंक यू सो मच बीस्पोक फंडिंग प्रोग्राम फॉर योर हेल्प, कि आपने मेरे को, यू चोज मी फॉर द फंडेड चैलेंज, ठीक है। उन लोग मेरे पास आए हैं, मैं उन लोग के पास नहीं गया। सो इफ इट्स ऑथेंटिक तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। तो इसी बात पे मैं थोड़ा ये वीडियो एंड करता हूँ। सिर्फ कमेंट में वॉन्ट ये ऐड करके आप अपना फ्रेमिंग डाल सकते हो। तो इफ यू वॉन्ट, आई वॉन्ट बीस्पोक फंडिंग प्रोग्राम, अगर आप ऐसा रिप्लाई करोगे आई विल कंसिडर दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द गिव अवे चैलेंज, और मैं रैंडमली चूज करूंगा, सिर्फ 2 lucky winners को ये गिव अवे मिलेगा जो $10,000 के रहेंगे। दैट इज अप टू यू। सो थैंक यू सो मच, आई एंड द वीडियो। थैंक यू, शब्बा खैर।